हेलो एवरीवन, आप देखो टेक पाल, मैं हूं आपका होस्ट उत्कर्ष। और आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और साथ ही मैं एक ब्रीफ इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूं लॉजिटेक के K230 वायरलेस कीबोर्ड का। तो अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक बजट चीप ब्रांडेड वायरलेस कीबोर्ड, तो फिर आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले नीचे दी गई सब्सक्राइब की बटन को जरूर दबा देना और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आप मेरे चैनल से आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा मेरे पास पैकेज लॉजिटेक K230 वायरलेस कीबोर्ड का, जो आया है डायरेक्टली amazon.in से। और कुछ इस तरीके की पैकेजिंग मुझे यहाँ पर मिली। इसके ऊपर कोई और पॉली रैप या फिर किसी और बॉक्स के अंदर मुझे ये पार्सल रिसीव नहीं हुआ, कुछ इसी तरीके का पार्सल मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। और फिर यहाँ पर अब मैं बॉक्स की बात करूँ, फिर बॉक्स में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा एक शिपमेंट स्लिप, उसके बाद जो मैं आपको मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन और साथ ही में डिवाइस की बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुआ एक पैम्पलेट देखने को मिल जाएगा। तो फिर बॉक्स की एक साइड यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, और फिर बॉक्स की दूसरी तरफ यहाँ पर आपको कीबोर्ड की एक फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। और फिर यहाँ पर कुछ साइड्स की अगर बात करूँ, साइड में आपको यहाँ पर कीबोर्ड की फ़ोटो देखने को मिल जाएगी, और फिर दूसरी साइड में यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा लॉजिटेक K230। तो इस तरीके के आपको यहाँ पर जो है इसका बॉक्स देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस बॉक्स को, तो फिर यहाँ पर मैं अंदर से निकालता हूँ कीबोर्ड, देखते हैं कि बॉक्स में आपको और क्या क्या देखने को मिलता है। तो फिर ये रहा मेरे पास कीबोर्ड, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको जो है कीबोर्ड प्रोवाइड किया हुआ है। ये है आपका लॉजिटेक K230 वायरलेस कीबोर्ड, कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। फर्स्ट लुक काफ़ी मुझे अच्छा लगा, फर्स्ट लुक काफ़ी प्रीमियम आपको देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर फर्स्ट लुक। अब हम इसको साइड में रख के देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वायरलेस मिनी USB रिसीवर, मतलब ये रिसीवर आपको देखने को मिल जाएगा इस बॉक्स के अंदर। बिकॉज मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो कीबोर्ड है, ये जो है एक वायरलेस USB कीबोर्ड है, मतलब आपको ये जो USB है, यह आपको वहाँ लगानी पड़ेगी जिस डिवाइस के साथ आप इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में या फिर अपने टीवी में, जिसके साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। और फिर आप इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ। यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर और दो पैनल्स देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके से एक्सटेंशंस देखने को मिल जाते हैं जिसको मैं कहूँ तो। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सटेंशन का क्या काम है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो फिर आपको कीबोर्ड में पैर से लगा हुआ एक मिल जाता है एक वाइट कलर का एक्सटेंशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको स्लाइड डाउन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर प्री इंसर्टेड बैटरीज देखने को मिल जाएंगी। ये दो AAA बैटरीज हैं, मतलब दो पेंसिल सेल्स। और फिर यहाँ पर जो एक्सटेंशन दिए हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग कलर के, एक है ब्लू और एक है पिंक। तो फिर आप व्हाइट को निकाल के या तो पिंक लगा सकते हैं या फिर आप ब्लू लगा सकते हैं, और फिर अपने हिसाब से अपने कीबोर्ड के कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक तरीके से एक यूनिक चीज़ आपको इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर ये मैं वायरलेस USB रिसीवर की बात करूँ, तो फिर वो भी काफ़ी छोटा और काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी उसकी भी है। तो यहाँ पर कुछ तरीके आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है, फर्स्ट लुक काफ़ी प्रीमियम है। अब अगर यहाँ पर जो अपने आप इसके लुक को भी मॉडिफाई कर सकते हैं इस एक्सटेंशन की मदद से, वाइट आप अपने कीबोर्ड में वाइट लगा सकते हैं या फिर ब्लू या फिर पिंक पैनल लगा के अपने कीबोर्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और फर्स्ट लुक जैसे कि मैं कह रहा था, काफ़ी प्रीमियम मेरे को देखने में लग रहा है, काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। कोई भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं है, मतलब अभी मैं आपको इसको पकड़ के जो फील आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। बटन्स काफ़ी छोटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, मतलब काफ़ी छोटी है, कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटी सी जगह में काफ़ी सारी बटन यहाँ पर जो है घुसा दिए हैं एक पैनल पे, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को लगेगा। काफ़ी छोटी बटन्स हैं, मतलब बिल्कुल पास पास सकरी जगह में काफ़ी सारी बटन्स जो है यहाँ पर यूज़ की गई हैं इस कीबोर्ड में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको जो है बटन्स वगैरह आपको इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगी, और कुछ तरीके आप कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, बटन्स भी काफ़ी छोटे। और फिर यहाँ पर आपको जो है कुछ शॉर्टकट्स देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पर अब इस कीबोर्ड की साइज़ की बात करें, इस कीबोर्ड का साइज़ काफ़ी छोटा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेंथ विड्थ दोनों ही काफ़ी छोटी हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब मैं इसको अपने हाथ से कुछ इस तरीके से पकड़ पा रहा हूँ, इसकी पूरी विड्थ जो है मेरे हाथ में मेरे हाथ में आ पा रही है, और मेरे हैंड के मतलब मेरे करीबन 3 हेक्टामीटर है, मतलब मेरे 3 हाथ के बराबर ये कीबोर्ड जो है, मतलब इतना ही बड़ा आपको यहाँ पर ये कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा।
सो कुछ इस तरीके का आपको कीबोर्ड है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी अच्छा है देखने में, तो काफ़ी अच्छा लग ही रहा है और कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है, बटन काफ़ी पास है और साथ ही में छोटा सा है, नन्ना सा प्यारा सा, और काफ़ी कॉम्पैक्ट कीबोर्ड जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टकट्स की बात करता हूँ, इस कीबोर्ड थोड़े से शॉर्टकट दिए हुए हैं। यहाँ पर नीचे एक बटन दी गई है जिसमें लिखा हुआ है FN, आप उस बटन को दबा कर वो शॉर्टकट्स जो है यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी कम बटन दी गई हैं, काफ़ी छोटी बटन है, काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाया गया है कीबोर्ड को, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं अपनी वॉल्यूम वगैरह के, और भी कुछ कुछ और शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो आपको एक्सेस करना पड़ेगा। वो FN वाली बटन दबाकर आप उस शॉर्टकट्स को कुछ इस तरीके से जो है एक्सेस कर सकते हैं, और इस हिसाब से जो आपका काम चलने वाला है इस कीबोर्ड में। और पीछे से आपको बताऊं इस कीबोर्ड के बारे में, तो पीछे आपको यहाँ पर लीन करने के लिए दो और आपको एक्सटेंशन देखने को मिल जाएंगे, मतलब आप इसको खोल के अपने कीबोर्ड को लीन कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इसमें जो है टाइपिंग कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको ये कीबोर्ड देखने को मिलेगा। स्क्रू से टाइट है इसका बैक पैनल, बैक पैनल पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, असल में कीबोर्ड की पूरी बॉडी प्लास्टिक की है, पीछे भी यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा और स्किड रेजिस्टर्स लगे हुए हैं रबर के, जिसकी मदद से अगर आप अपने कीबोर्ड में कुछ भी काम कर रहे हैं और वो अगर आप वो मतलब अपनी पोजीशन से जो है हिलेगा नहीं, यहाँ वहाँ नहीं होगा, और कुछ तरीके से आपका कीबोर्ड जो है मतलब फिसलेगा नहीं, स्किड रेजिस्टेंस है इस कीबोर्ड के अंदर। अब यहाँ पर मैं इस कीबोर्ड की साउंड की बात करूँ, आप खुद सुन सकते हैं क्या है इसकी साउंड, इस कीबोर्ड की बटन की क्या साउंड आती है, यहाँ पर आप खुद सुन सकते हैं। सो कुछ इस तरीके की आपको जो है इस कीबोर्ड की बटन्स की साउंड सुनने को मिलेगी, मतलब जो इसकी कीबोर्ड की जो बटन्स हैं वो बिल्कुल नॉइस प्रूफ हैं, मतलब बहुत ही कम साउंड करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, साउंड आपको आएगी यहाँ पर मीडियम साउंड है, मतलब बहुत ज़्यादा कम या फिर बहुत ज़्यादा लो नॉइस नहीं है, हालाँकि बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ नॉइज़ भी नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं कीज़ की बात करूँ फिर कीज़ छोटी तो है ही, कॉम्पैक्ट तो है ही कीबोर्ड, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है कीबोर्ड जो उसकी कीज़ हैं वो थोड़ी सी ढीली ढाली सी हैं, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ जो है आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाएगी, मतलब मीडियम रेंज की आपको यहाँ पर जो है आपको आवाज़ सुनने में मिलेगी अगर आप इस कीबोर्ड में करते हैं तेज़ या फिर कड़क टाइपिंग, तो कुछ इस तरीके से जो है ये कीबोर्ड आपको देखने को मिलने वाले। सो गाइस, अब मैं अपने कंक्लूजन में और आपको बताऊं कि क्या आपको कंसिडर करना चाहिए इस कीबोर्ड को खरीदने के लिए फिर नहीं करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि शायद ये कीबोर्ड उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग पसंद करते हैं अपने कीबोर्ड में बड़ी बड़ी बटन, दूर दूर बटन, और शायद जिनकी की ज़्यादा नॉइज़ भी ना आए, तो शायद वैसे लोगों के लिए कीबोर्ड नहीं हो, बिकॉज इसमें थोड़े से शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, कीबोर्ड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, बटन काफ़ी पास पास थे और थोड़ी जो उसकी बटन है वो भी थोड़ी सी छोटी छोटी सी है, तो शायद कुछ लोगों को ये कीबोर्ड पसंद ना आए, लेकिन यहाँ पर ये कीबोर्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक वायरलेस कीबोर्ड तो फिर ये वायरलेस कीबोर्ड आपके लिए यकीनन काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी ऑन एन एवरेज अच्छी है, साथ ही में कॉम्पैक्ट है, अच्छा दिखता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कीबोर्ड आपको ब्रांड नेम के साथ मिलता है, मतलब लॉजिटेक का कीबोर्ड है ये। सो यकीनन अगर आप अपने लिए एक बजट वायरलेस कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं तो ये कीबोर्ड आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है, तो फिर आप इस कीबोर्ड को बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इस कीबोर्ड को ऑर्डर भी कर सकते हैं और साथ ही में इस कीबोर्ड के बारे में और ज़्यादा जान भी सकते हैं। सो ऐसे ही था वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक जरूर करना और साथ ही में शेयर करना अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जिनको ये कीबोर्ड लेना चाहिए, और साथ ही में कमेंट में अगर आपको कोई भी सजेशन, ओपिनियन, फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछना, और अगर आप न्यू हैं फिर आपको लगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो टिल देन गुड बाय एंड कीप वॉचिंग टेक पाल।